गोविंद वल्लभ पंत या जीबी पंत प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। 1957 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को राजभाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना तथा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के श्यामली पर्वतीय क्षेत्र स्थित गांव खूंट में महाराष्ट्रीय मूल के एक कन्नाड़े ब्राह्मण कुटुंब में हुआ था। इनकी माँ का नाम गोविंदीबाई और पिता का नाम मनोरथ पंत था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी परवरिश उनके नाना श्री बद्रीदत्त जोशी ने की। 1905 में उन्होंने अल्मोड़ा छोड़ दिया और इलाहाबाद चले गए। म्योर सेंट्रल कॉलेज में वो गणित, साहित्य और राजनीति विषयों में अच्छे विद्यार्थियों में सबसे तेज थे। अध्ययन के साथ साथ वे कांग्रेस के स्वयंसेवक का कार्य भी करते थे। 1907 में बीए और 1909 में कानून की डिग्री सर्वोच्च अंकों के साथ हासिल करने के बाद उन्हें कॉलेज की ओर से लैम्सडेन अवार्ड दिया गया। 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा आकर वकालत शुरू कर दी। इन्होंने काशीपुर में जाकर प्रेम सभा नाम से एक संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा और साहित्य के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करना था। इस संस्था का कार्य इतना व्यापक था कि ब्रिटिश स्कूलों ने काशीपुर से अपना बोरिया बिस्तर बांधने में ही खैरियत समझी। दिसंबर 1921 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के रास्ते खुली तौर पर राजनीति में उतर आए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड करके उत्तर प्रदेश के कुछ नवयुवकों ने सरकारी खजाना लूट लिया, तो उनके मुकदमों की पैरवी के लिए अन्य वकीलों के साथ पंत जी ने जी जान से सहयोग किया था। 1928 के साइमन कमीशन के बहिष्कार और 1930 के नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया और मई 1930 में देहरादून जेल की हवा भी खाई। 17 जुलाई 1937 से लेकर 2 नवंबर 1939 तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत अथवा यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने। वे 1 अप्रैल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री रहे, और जब भारत वर्ष का अपना संविधान बन गया और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, तो फिर से तीसरी बार उन्हें इसी पद के लिए सर्वसम्मति से उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता भारत के नवनामित राज्य के भी वे 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उन्हें गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख का दायित्व दिया गया। भारत के गृह मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 1955 से लेकर 1961 में उनकी मृत्यु होने तक रहा। 9 मार्च 1961 को हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।